किंवदंती बताती है कि चंद्रमा की देवी और रात्रि के राजा ने बिना रुके 7 दिन और 7 रातों तक एक दूसरे के साथ लड़ाई की थी। पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी। ऐसा लगता है जैसे युद्ध कभी खत्म नहीं होगा जब दोनों बराबर हों। आखिरकार दुनिया की रक्षा करने वाली चांद की देवी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह अपनी शक्ति अपने उत्तराधिकारी को सौंप देगी ताकि उसकी शक्ति को खोजा जा सके। अपना उच्च उद्देश्य पूरा करने के लिए उत्तराधिकारी चांद की गद्दी का कौन होगा? और फिर आखिरकार वह दिन आ ही गया। प्रिय परिवार को श्रद्धांजलि। उसके माथे पर एक सफेद निशान था, जैसे कोई नवजात शिशु की पहली चीख। जिस दिन हेलेन का जन्म हुआ, दुनिया फिर से हल्के पीले चांदनी में डूब गई थी। उसकी रोती हुई आवाज ने उन दिनों के काले बादलों को हटा दिया। हेलेन हमेशा से ही बाकी बच्चों से ज्यादा समझदार थी। बड़ी होने पर वह लड़की तारीफों के पुल बांध रही थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में हेलेन ने अब तक समनिंग स्पेल सीख लिया था। ऐसी शुरुआत के साथ कोई भी संदेह नहीं करेगा कि हेलेन दिन ब दिन बेहतर हो जाएगी। यह घटना तब हुई जब हेलेन की माँ अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। चौंकने और दुख से भरकर वह पूरा दिन यादों में डूबी रहती थी, अपने मोटे बिल्ली और पुराने पोनी के पास। कसम से राजा का हुक्म है, हमेशा बहाने बनाना। जल्दी बहाना बनाओ या मुझे शांति दो। पिछले महीने हेलेन एक जिद्दी, जिंदगी से प्यार करने वाली लड़की से बेहद शर्मीली और पुरानी डरी सहमी सी हो गई थी। वह अपने आप पर से भरोसा खोती जा रही है। ओह, लेकिन राजकुमारी हेलेन के पास जादू है तो वह छाया से क्यों नहीं बच सकी। हेलेन ठीक ठीक नहीं जानती कि वह कैसा महसूस कर रही है, लेकिन वह हमेशा थकान, टुकड़ों में सोना और पैरों का भारीपन महसूस करती है। वह किसी भी चीज में अब उत्साहित नहीं होती, जादू भी नहीं। मोटे बिल्ली, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, सब कुछ बहुत गड़बड़ है। मोटे बिल्ली, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मेरी प्रगति हर दिन खराब हो रही है। आज पहली बार मैं जादू प्रतियोगिता में किसी और से पीछे हो गया। उस पल मैंने सच में डर महसूस किया, मेरे कान सुनना बंद हो गए। हे भगवान, हवाओं को रोक दो, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जादू की एकमात्र चाल जो मैं अब भी कर सकता हूँ, वह तुम्हें बुला रही है। मोटू, जादू ने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँ? काश माँ होती तो तू समझता। क्वैंग जल्द ही गुजर गए। राजा ने सोचा कि माँ की डांट के कारण हेलेन को ऐसे हालतों का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने फैसला किया कि वह राजकुमारी को एक उपयुक्त उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित करेगा। राजा की सख्ती के विपरीत नन्ही राजकुमारी के उत्तराधिकारी बहुत ही कोमल और स्नेही थे। पिता ने कहा हाल ही में आपकी सेहत ठीक नहीं है, है ना? यह दवाई हमारे गाँव की गुप्त दवा है। जब भी तुम तनाव और थकान महसूस करो, इसे ले लेना। हेलेन ने तुरंत वह दवाई छोड़ दी। लेकिन चिंता अब नियंत्रण से बाहर हो गई थी। अगला निर्धारित जादू टूर्नामेंट जल्द ही आने वाला था और अब कोई और उपाय नहीं था। उसने आंखें बंद करके निगल लिया। दवा वास्तव में प्रभावी रही है। हेलेन अब कम चिंतित महसूस कर रही हैं। हर कदम ने उसे अपने उपचार में मदद की है। लेकिन ये सब महज अफवाह है। हेलेन एक पागल की तरह एक गोली से दूसरी गोली तक जाती रही। एक रात हेलेन ने कहा कि दवा खत्म हो गई है तो वह और मांगने के लिए सहायक के कमरे। इसीलिए उसने एक खतरनाक राज खोज निकाला है। हवस का राक्षस दरअसल एक अंधेरी जादूगरनी है। हे भगवान, मुझे बताओ हेलेन अपनी शक्ति कब खो देगी? उत्तराधिकारी ने हेलेन को खोज लिया और इस पल में उसे चमत्कार करना चाहिए था, लेकिन हेलेन ऐसा नहीं कर सकी। असुरक्षा के कारण हेलेन बहुत परेशान थी।
ओह, लेंग्वेन की औषधि वाकई में काम कर रही है। ए, क्या? ये क्या चीज है? कोई चिंता नहीं, जब तुम दूसरी दुनिया में जाओगे तो तुम मेरी बेटी को पहचान लोगे। पापा, कृपया बाओ, कृपया मेरी मदद करो। बिल्ली वास्तव में मौजों में हीरो की तरह दिखाई दी। प्यारा है, जाओ ऊपर चढ़ो मेरे दोस्त। हे भगवान, क्या तुम भूखी हो प्यारी बिल्ली? अब क्या करें, यह सब कुछ ऐसा कैसे हो गया? अब कोई भी तुम्हें प्रिंसेस हेलेन नहीं मानता, बल्कि लोग तुम्हें भगाने की कोशिश करते हैं। अब एकमात्र तरीका है चंद्र देवी की चांदनी की जादुई छड़ी ढूंढना, जिससे दुष्ट राक्षस का नाश हो और श्राप हट जाए। जब तीनों लोग उस स्थान पर पहुँचे जहाँ चांदनी स्कूल की शक्ति को सील कर दी गई थी, तो उनसे पहले एक व्यक्ति वहाँ पहुँच चुका था। वह एक लड़ी डीएच का था, जिसका नाम जेडिन था। ट्रैकिंग रिपोर्ट कहती है कि हेलेन चंद्रमा की देवी की उत्तराधिकारी है, इसलिए जब वह प्रकट होती है, सहयोग टूट गया। लेकिन जयाडेन तेज था, वह सिर्फ नेता बनने की फिराक में था। अरे चोर, जल्दी से वापस कर दो। न रखो तो खो जाएगा, चला गया तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ओ, माहौल वाकई रोमांटिक है। आराम से प्यारी बिल्ली, मैंने अभी तुमसे बात नहीं की है, ये गलत हो गया है। अब समय आ गया है कि तुम मुझे नेता बना दो। तो इससे पहले भी फॉक्स ने हवस के राक्षस से लड़ाई की है। उत्तराधिकारी को शक्तिशाली वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। जो भी इसे अपने सिर पर पहनता है, वह जनता का दिल जीत लेता है और राजा बन जाता है। फिर उसे अधिकार का प्रतीक खोजना होगा और उसे मुख्य सरदार को सौंपना होगा। उस समय के दौरान केहू ने कौवांग टू को एक लोमड़ी में बदल दिया, ताकि वह उसे खुद के लिए काम करने के लिए मजबूर कर सके। ऐसा आसान नहीं है बूढ़ी औरत। अगर मैंने तुम्हें ला दिया और तुमने मुझे इंसान नहीं बनाया, तो क्या यह पाने के लिए पहले मुझे इंसान बनाओ? वह शराब नहीं चाहते हैं, वह शराब दंड चाहते हैं। मोटे बिल्ली, बचाओ। जेडन अब भी स्कूल का प्रिंसिपल है, इसलिए उन्होंने राजकुमारी हेलेन और मोटी बिल्ली को बचाने और भागने के लिए मजबूर कर दिया। हेलेन, लोमड़ी के संग चलो, तुम उसे नीचे गिरा सकती हो। याद रखें, अधिकार के उपयोग के लिए एक मंत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन उत्तराधिकारी बहुत तेज है, ताकि हेलेन और जेडन भाग सकें। मोटी बिल्ली ने अपने शरीर का उपयोग करके उसकी जादू को तोड़ दिया। मोटी बिल्ली, चढ़ जाओ। यह एक बहुत बड़ा झटका है हेलेन के लिए, जब उसने एक बार में अपने दो करीबी दोस्तों को खो दिया है जो उसकी मदद कर रहे थे। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह मोटे अमीर बिल्ली को नहीं पकड़ सकती। पोनी की डॉक्टरी कितनी भी बार की जाए, कुछ नहीं बदलता। स्कूल लॉर्ड या प्रधानमंत्री का अधिकार भी उसे वापस ऑन ऑपरेटिंग लाइसेंस नहीं दिला सकता। क्यों, क्यों नहीं दिखती? वह एकमात्र उपाय है जो माने छोड़ा है। मोटी आंटी ही एकमात्र दोस्त है जिसे मैं इस जीवन में बुला सकता हूँ। बिल्कुल सही, ये तुम्हारी गलती है। आसान नहीं होगा, ध्यान से। अरे नहीं, तुमने हिम्मत कैसे की? ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हें आधा मौका दूंगा। क्या तुम तुरंत दूसरा तरीका नहीं बोल सकते? क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें पत्थर चबाने वाली नदी में फेंक दूंगा? शांत रहो हैंडसम, मैं बोल रहा हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस मंत्र का खास हिस्सा है कि यह केवल आधी रात के पूर्णिमा के पल में काम करता है। तारीख 3 दिन बाद की तय की गई है। अगर इसे छोड़ दिया तो काफी समय में फिर से मौका मिलेगा। आग लग गई और लक्ष्य था बाद के चरण को नष्ट करना। नैन ने हेलेन को वापस जादू करने की कोशिश करने में मदद की। वे महसूस करते हैं कि खुशनुमा पलों में वह लड़की मिनटों में बदल सकती है। जरूर कुछ समस्या रही होगी जो उसे इतना पागल कर रही है। पहली बार जीवन में कोई उसकी राजकुमारी बनने के दबाव को समझ रहा था। साथ ही फिर से मिलते हैं। मां लैन को भी पता था कि जेडेन असल में एक राजकुमार था, लेकिन उसकी मां एक दासी थी, इसलिए दोनों हमेशा गरीबी में रहे। जेडन खुद को बेहतर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। यह पूरी तरह से समझा गया कि प्रतिद्वंद्विता सम्मान की लड़ाई थी।
अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए उसे सबसे ताकतवर बनना पड़ेगा, भले ही अपनी भावनाओं में खो जाना हो। मैंने कहा कि मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी नहीं सुना। क्यों नहीं? और मेरा क्या? और टूटे हुए दिल धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। हेलेन भी लंबे समय तक इंसान बन सकती है योजना को पूरा करने के लिए। लड़ाई के दिन दोनों एक साथ महल में घुस गए, ठीक उसी कमरे में जहां युवा जादूगर अभ्यास करते थे। हेलेन शिक्षक फिर से इंसान बन सकते हैं, यह पूरी तरह से अप्रत्याशित है। अरे मेरी बेटी ने फिर से इंसान बनने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन लगता है कि यह सिर्फ अस्थाई है। देखते हैं तुम्हारी जबान कितने समय तक चलती है। बहुत सारी बातें। अरे अंधेरे की रानी, राजा के महल का अच्छी तरह ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करो, जल्दी से मौका पकड़ो। वह क्षण अभी भी पास है। सूरज की रोशनी खिड़की से आकर कमरे को रोशन कर रही है। मजाक छोड़ो, महज एक जादूगर पर भरोसा करना और भूतिया पौराणिक कथाएं सुनाना क्या दिखाता है? यहाँ तक कि सबसे सामान्य व्यक्ति भी बेहतर स्थिति को खो सकता है। हेलेन को दर्द और बोझ वाली धमकियों का सामना करते हुए राजकुमारी कांपने लगी। जादू की वाक्य पूरी तरह से नहीं बोली गई है। पूर्णिमा का समय चला गया है, इसका मतलब है कि वे चांदनी की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरी प्यारी राजकुमारी, अब कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जेडन ने अपने जीवन की बलि दी और ढाल बनकर राजकुमारी की रक्षा की। अजीब बात है, उस शक्ति के हार का मुकुट छोड़ देने के बाद जेडन फिर से इंसान बन सकता है। अब मुझे समझ आ गया, जब मैं ताकत की लालसा छोड़ दूंगा तो यह श्राप भी टूट जाएगा। हे हेलेन, चंद्रमा जादू की प्रैक्टिस छोड़ दो और तुम्हारे पास जो साधारण शक्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल करो, बस खुद बनो। हेलेन ने उस खुशी के पल को याद किया जब उसने पहली बार जादू किया था और जब उसके दोस्त पोनी और मोटा बिल्ली उसके साथ थे। हेलेन ने जोर से उस मंत्र का जाप किया जो बचपन में उसने पहली बार पढ़ा था। जादुई रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमक उठी। मोटा बिल्ली और टट्टू पहले से कहीं ज्यादा मजबूत रूप में फिर से सामने आते हैं। वह शान से दौड़ता हुआ पहुंचता है। निर्वासित होने के बजाय जब रोशनी मध्यम होती है, वीरांगना एक खूबसूरत और कोमल चांदनी परी में बदल जाती है। वह मूल रूप से गॉडेस आर्डेंडन की सहायक थी। उसका कार्य उत्तराधिकारी की खोज करना और उन्हें संसार की रक्षा हेतु सक्षम बनाना था। मुझे लगता है कि सिखाने से ज्यादा उसे सीधे अनुभव करने देना ज्यादा आत्मविश्वास देगा। कौन चाहे वास्तव में रात की देवी का पुनर्जन्म है, जो पिछले जीवन में देवी के विपरीत विचारधारा रखती है। कर्तव्यों ने उन्हें पिछले जीवन की सभी दुश्मनियों को हल करने में मदद की है और एक ही समय में उसने अपने लिए एक सबक सीखा। दूसरों की चापलूसी छोड़कर जयडेन राजा फिर से इंसान बन सकता है, जैसे राजकुमारी हेलेन। जब प्रतिस्पर्धा का दबाव नहीं होता, उसे चुना जाता है और वह खुद हो सकती है, तब वह सबसे मजबूत होती है। जेडन और हेलेन को समझ में आता है कि वे इस यात्रा में अच्छे दोस्त बन गए हैं, जो दुनिया की शांति और सुंदरता की रक्षा करने के लिए है। एक दूरस्थ भूमि में, जहां बर्फ ने हर रास्ते को ढक लिया है, एक बर्फीली महल में, उस महल के सबसे पवित्र कमरे में एक विशेष घटना हो रही है। कमरे के केंद्र में बर्फ की मूर्ति में बर्फ के कण एकत्र होकर एक सुंदर युवा लड़की का आकार बनाते हैं। तब से स्नो क्वीन जाग गई है, जो एक नई सर्दियों के मौसम की शुरुआत की घोषणा करती है। वापसी पर स्वागत है स्नो क्वीन। मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है, अब मैं आपकी ड्यूटी को सौंप रहा हूँ। शुभकामनाएं।
धन्यवाद हर कोई, मैं एक सुंदर सर्दी बनाऊंगा। कहानी ऐसी है कि चार देवी देवता मौसम की देखभाल करते हैं, वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। वसंत जीवन शक्ति लाता है, प्रजनन का समय होता है, यह रंग बिरंगे फूलों का मौसम भी है और यह आम तौर पर लोगों का पसंदीदा होता है। गर्मियों, सुनहरी धूप का मौसम आम तौर पर फसलों और फलों के लिए कटाई का मौसम है। शरद ऋतु रोमांटिक और शांत है, जो लोगों को शांतिपूर्ण और सपने देखने का समय देती है। सिर्फ सर्दी ही ऐसी है जिसकी ठंड से शरीर कांपता है और जीव जंतु जैसे सो जाते हैं। इस मौसम को सभी लोग पसंद नहीं करते। बर्फ की रानी बाकी सभी देवी देवताओं से थोड़ी अधिक ठंडी है, इसलिए बर्फ की सफेदी पसंद करने वालों के अलावा कई लोग शिकायत भी करते हैं। वे चाहते हैं कि बर्फ रानी जल्द ही दूर चली जाए। पता नहीं यह ठंड कब तक चलेगी। सर्दी का मौसम सच में कुछ नहीं देता, जल्दी खत्म हो। सर्दियों के आगमन ने शहर के लोगों का पूरा जीवन बदल दिया है। आमतौर पर स्नो क्वीन हर चार महीने में इलाज करती है। वसंत ऋतु आने तक वसंत की देवी को कार्यभार सौंपना था, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत अजीब था। इस साल की सर्दियां पिछले सालों से बहुत ज्यादा गर्म है, इतनी जल्दी गुजर गईं कि लोग हैरान रह गए। सिर्फ 3 दिन बीते हैं और सर्दियों के निशान लगभग पूरी तरह से मिट चुके हैं। इस साल सर्दी इतनी जल्दी क्यों चली गई? बस कुछ ही दिन थे। बिल्कुल सही, आप अभी भी जन्मदिन से पहले हैं। हे भगवान, कुछ भी चलेगा, लेकिन सर्दी जल्दी खत्म हो गई। क्या हम जल्द ही सब्जियां नहीं उगा सकते? यह तो खुशखबरी है ना? कुछ लोग सर्दियों की कम अवधि से खुश हैं, जबकि कुछ इसे लेकर दुखी हैं। लेकिन उन्होंने भयानक घटना की पूर्वानुमान नहीं किया। बर्फ की रानी गायब हो गई। केवल 3 देवी जानती हैं कि स्नो क्वीन का रहस्य कितना गंभीर है। ये क्या है? सर्दी तो सबसे महत्वपूर्ण मौसमों में से एक है, इसे 4 महीने तक बनाए रखा जाना चाहिए। लेकिन अभी हाँ, मैंने अभी अभी टोनी को शिफ्ट सौंपी है और सिर्फ 3 दिनों की छुट्टी ली है। शायद वह आलसी थी या सर्दियों से नफरत करने वालों के बीच खो गई। नहीं, ये स्नो प्रिंसेस का असली स्वभाव नहीं है। वह थोड़ी ठंडी है लेकिन बहुत जिम्मेदार। हमने कभी भी कोई मिशन अधूरा नहीं छोड़ा। हमें स्नो क्वीन को खोजने के लिए लड़ना होगा। इस समय के दौरान आप स्नो क्वीन के कर्तव्यों को संभालें। लोग नई फसल के लिए बीज बो रहे हैं। अगर मैं शरद ऋतु को और लंबा खींच दूं, तो वे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आपने कहा है, इसलिए हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। कार्य विभाजन के बाद शरद ऋतु और गर्मी की देवी तुरंत बर्फ रानी के निशान खोजने के लिए निकल पड़ी। वसंत की देवी वह भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। हे भगवान, ये कितना अजीब है। बहुत सुंदर। देखो, मैंने अभी अभी जो आलू की क्यारी लगाई थी वह बड़ी हो गई है, तो जल्द ही फसल काटी जाएगी। वसंत वास्तव में अद्भुत है। उसे नीचे उतारो, उसे नीचे उतारो। वसंत की रानी। वाकई एक व्यस्त दिन था। हर कोई वसंत ऋतु को पसंद करता है। हम इसे अच्छी तरह कर सकते हैं। आप आराम से सर्दी को ढूंढने जा सकती हैं। बहुत दिनों की खोज के बाद भी जैसे कोई निशान नहीं मिला। बहुत थक गया। हमने बहुत सारी जगहों की यात्रा की है। अब यहाँ खोजने के लिए और कुछ नहीं बचा है। देखो, क्या यह है?
निशानों का पीछा करते हुए अजीब बात है। निशान सीधे बर्फ के महल की ओर जाते हैं, जहां बर्फ की रानी को जगाया गया था। यह बर्फ का महल है, क्या बर्फ की रानी अभी भी महल में रहती है? सोचकर देखो तो एक लंबा महल एकमात्र स्थान है जहां हमने अभी तक कोशिश नहीं की। चलो अंदर जाकर देखते हैं। महल के अंदर कदम रखा। इस समय गुप्त कमरे से बर्फ पूरे महल में फैल गई थी। देखिए यह है, तुम बर्फ के अंदर हो और इस दरवाजे को खोल सकते हो। सो डिड डन नानूए, अगर हम भूल जाएं तो गर्मी का मौसम जो सर्दी के विपरीत है, अगर हम बर्फ को छूते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे। वह थोड़ा अधिक कपड़े पहनता है, लेकिन बर्फीली औरत की ठंड के सामने मैं नहीं जीत सकता। बस एक तरीका है। शरद और ग्रीष्म की रानी वसंत की रानी से मिलने के लिए खेतों में गईं, जो किसानों को खेती में मदद करने में लगी थी। सौभाग्य है आप यहाँ हैं। हमने स्नो प्रिंसेस को ढूंढ लिया है। क्या आप लोग, क्या आपने स्नो क्वीन को ढूंढ लिया है? कहाँ पर? ये बर्फीले महल में होने जैसा है, जैसे एक कांच के कमरे में। हम इसे खोल नहीं सकते, अब सिर्फ तुम ही इसे कर सकती हो। क्या मैं? क्यों? एक चमकदार सूरज की किरण, कोमल और आसान, बस इतना ही कि बर्फ के कमरे को पिघलाने के लिए पर्याप्त हो बिना स्नो क्वीन को नुकसान पहुंचाए। हमें तुरंत वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हुआ। नहीं, क्या आप लोग नहीं देख सकते कि मैं व्यस्त हूँ? यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी मदद की जरूरत है। अब क्या कर रही है वो बच्चा जिसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है? हमें सर्दी वापस लानी होगी। किस काम में मदद चाहिए? क्या मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ? जल्द ही वसंत आना अच्छा है। देखो यहाँ के लोग कितने खुश हैं। ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, अगर इसका उल्लंघन किया गया तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। क्या तुम जानती हो? गंभीर परिणाम? आपका मतलब हरे भरे पेड़, लहलहाती फसलें हैं। जब स्प्रिंग लॉर्ड ने असामान्यता को पहचाना तो खतरा करीब था। सुनामी की लहरें आ रही हैं, लोग डर से चिल्ला रहे हैं और भाग रहे हैं। रानी हैरान है। ये क्या हो रहा है? मेरे जीवन का पेड़, मेरी प्यारी प्रेमिका। अभी जो हुआ वह क्या था? ये सब स्नो क्वीन की लापरवाही का नतीजा है। सर्दियों का मौसम वास्तव में मानवता को राक्षसों से बचाने के लिए सुरक्षा बढ़ाने का समय होता है। इस कठिन कार्य को करने वाली कोई और नहीं बल्कि बर्फ की रानी है। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके गेट्स को बंद कर दिया और राक्षस को बर्फीले समुद्र में फंसा दिया। यह कार्य सैकड़ों वर्षों तक नियमित रूप से किया जाता है, लेकिन स्नो क्वीन के अचानक गायब होने की वजह से। लेकिन बर्फ का द्वार पिघल गया है और समुद्र तट अभी भी पिघल रहे हैं। राक्षस बाहर निकलते हैं, सैकड़ों वर्षों से मानवता को तबाह करने वाले प्रलयकारी तूफान को साथ लाते हैं। मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। मैं उसे मदद कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वसंत जल्दी आए, और कई लोग भी चाहते हैं कि सर्दी जल्दी समाप्त हो। मैंने नींद लाने के लिए नारी चाउ ट्वेट पर बजरी फूल पाउडर और 3 अन्य चीजें इस्तेमाल की। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? अब और समय नहीं बचा है, जल्द से जल्द स्नो को जगाओ वरना पूरी जगह नष्ट हो जाएगी। तू
तूफान के बाद बर्फ की महिला जाग उठी। मैं यहाँ क्यों लेटा हूँ? पुई डॉन। क्या तुम फिर से मुझे कैद करना चाहती हो, आलसी लड़की? हाँ हाँ हाँ, लगता है इस बार मुश्किल होगा। पीछे हटो, मैं कोई युद्ध देवी नहीं हूँ, ये काम तुम्हारा है। माफ करना दीदी, ये सब मेरी लालच के कारण हुआ, मैं गलती मानती हूँ। समय के साथ जल राक्षस ने रहस्यमयी शक्ति प्राप्त कर ली। लड़ाई बराबर की थी। जब तक हाँ, दौड़ो, भाग जाओ, भाग जाओ। शुरुआत से ही भाग जाते तो कितना अच्छा होता ना। हे भगवान, तुम्हें मेरी जीत का इस तरह स्वागत करने की जरूरत नहीं है वसंत देवी। अगर समझदार लोग मेरे सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो आछी आछी। स्नो क्वीन ने राक्षस को बर्फीले समुद्र में बंद कर दिया। सर्दी भी मानव दुनिया में लौट आई। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब कोई भी सर्दी के महत्व पर सवाल नहीं उठाता। उन्हें समझ में आया कि यह पृथ्वी और आकाश का संतुलन है। हर मौसम जीवन में अपनी अनूठी रंगत लाता है जिससे यह और खूबसूरत हो जाता है। कातिया मंपो पर्वत के नीचे एक शांतिपूर्ण जगह है। लोग व्यापार और खेती के माध्यम से अपना जीवनयापन करते हैं। विवियन और लांस इस कस्बे में व्यापार करने वाली दो युवा लड़कियां हैं। एक ही उम्र के होने और एक साथ बड़े होने के कारण वे करीबी दोस्त बन गए। हर चीज साझा करते हैं। आज तुमने कितना सामान बेचा लेक्सी? ठीक ठाक। जल्द ही तुम एक बड़ा स्टोर खोलोगी और अमीर मालिक बन जाओगी। तो उस समय से हम एक साथ यात्रा कर पूरी दुनिया की खोज करेंगे। हम थोड़ा और सोचो, आज मैंने बहुत स्वादिष्ट केक बनाया है। वाह, तुम्हारी पकड़ कमाल की है। जिंदगी शांति से चलती रही जब तक एक दिन कुछ अलग नहीं हुआ। ओह, बहुत धूप है। ओह, दादी आप ठीक हैं? मदद करने के लिए बताओ। धन्यवाद, तुम बहुत दयालु हो। मैंने अभी अभी यहाँ स्थानांतरित किया है। मेरे पुराने स्थान पर जीवन आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पहले दिन दादी एक प्यारी और अच्छी लड़की से मिली। शायद यह मेरी अच्छी शुरुआत है। हाँ हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये वे फूल हैं जिन्हें मैं खुद काटता हूँ और बेचता हूँ। नमस्ते, कृपया इसे पकड़े। धन्यवाद आंटी, ये बहुत सुंदर है। वो वहीं दूसरी तरफ है, कोई काम हो तो उनको बुलाना, हिचकिचाना मत। अच्छे काम करने पर युवा लड़की के दिल में खुशी भर गई और वह बूढ़ी औरत द्वारा दिए गए फूलों को खजाने की तरह संजोती है। जब से उसने फूल लगाए थे वह ज्यादा खुश और शांतिपूर्ण सोती थी। हाँ? Hey, hey,
सॉरी, तुम इन दिनों अक्सर देर क्यों हो जाती हो? सूरज तो अब बिल्कुल सिर पर है, ऐसे व्यापार नहीं चलेगा लेक्सी। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से सोया, कभी कभी थोड़ा आराम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता विहान। मगर लेन जेड के देर से आने की दर बढ़ती जा रही है, कई दिनों में तो वह उठकर अपनी दुकान तक नहीं जाती। इस समय सड़क पर विवियन को भी असामान्यता दिखाई दी। सड़क पर भीड़ अब नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर अब सन्नाटा और वीरानी है। सड़क पर लोग कभी कभी गुजरते हैं, हर कोई सिर्फ बूढ़ी औरत के फूल की दुकान पर जाता है। बाई, मुझे यह फूल दे दो। नहीं, आप सिर्फ आधा गुच्छा ही खरीद सकते हैं। अगर आप सब खरीद लें तो बाकी लोगों के लिए क्या बचा रहेगा? अरे कृपया शांत रहो, मेरे पास पूरे शहर के लिए पर्याप्त उपहार हैं। ओह, ये तुम्हारी है। लांस के बारे में, एक पुराने युग का वाहन एक नए सपनों में खुलने वाली दुनिया में। आप खुद को अजीबोगरीब जगहों से गुजरते हुए अद्भुत दुनिया में साहसिक महसूस करती हैं। वह भी अमीर मालिक बनने का सपना पूरा कर रही है और अपनी दोस्त विवियन के साथ यात्राओं का आनंद ले रही है। विवियन अज्ञात पृष्ठभूमि वाली बूढ़ी औरत के बारे में संदेह करने लगी। शाम को उसने चुपचाप उसे देखा और एक विचित्र सत्य का पता लगाया। दवा के बारे में सोचें, इसे और बढ़ाएं। हम लगभग सफल हो चुके हैं, दुर्भाग्य से यह पूरी भूमि जल्द ही एक बुरे सपने में डूब जाएगी। हाँ मालिक, हाँ। सो जाओ और अपने सुंदर सपनों में मर जाओ, और खूबसूरत कटिया की भूमि मेरी होगी। मैं पूरे क्षेत्र पर शासन करूंगा। पता चला कि वह बूढ़ी औरत लेन एक्सेटुंग की तरह दयनीय नहीं थी, वह वास्तव में ला वरना नामक एक दुष्ट जादूगरनी थी। वर्षों पहले उसने भी जादुई भूमि पर हमला करने और कब्जा करने की साजिश रची थी, लेकिन उसकी साजिश को तितली परियों ने समय पर पकड़ लिया और उसे रोक दिया। वह दुष्ट महिला को सजा दी गई और उसने काला जादू करने की क्षमता खो दी। हालांकि वह अपनी बुरी महत्वाकांक्षा को नहीं छोड़ती है, उसने काठिया की जमीन को जहर देने के लिए चुना। चुड़ैल ने यहाँ के लोगों को जहरीला कर दिया और उन्हें सपनों में डुबो दिया ताकि वह राज्य पर कब्जा कर सके। ओ नहीं, अब हम क्या करेंगे? लेक्सी! लेसु, उठो। लेसु, तुम कैसे हो? इस समय लेन से और कई लोग गहरी नींद में खो गए थे, वे वापस नहीं आ सके। विवियन, जल्दी से कार्रवाई करो। उसने लेंस एक्सई के कमरे और कस्बे के अन्य निवासियों में सभी जहरीले फूलों को इकट्ठा किया। कई वर्षों के एक अनुभवी विक्रेता की स्वास्थ्य और फुर्ती के साथ विवियन ने जल्दी से यह काम पूरा किया। हे भगवान, उसने कटिया भूमि के साथ क्या किया? तो यह पता चला कि लेवना सिर्फ दीवार के पास जहरीले फूल लगाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसने पहाड़ के पीछे एक बड़ा जहरीला पौधा भी लगाया था। अगर इसका फूल खिल जाता तो इसकी भयानक झर से कुछ भी इस बुरी योजना को नहीं रोक पाता। विवियन तुरंत जल्दी से इस जादुई पेड़ को नष्ट कर देती है, इससे पहले कि यह खिलने का मौका पाए। क्या तुम देख सकते हो कि हम रास्ता भटक रहे हैं? ये स्पष्ट रूप से यही रास्ता है।
तुम्हारे मूर्खतापूर्ण दिमाग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दो स्मार्ट लड़के कहाँ जा रहे हैं? दिलचस्प है ना? अपना ध्यान केंद्रित करें। हम एक फूल की तलाश कर रहे हैं, एक बैंगनी फूल जो इतना ऊंचा है। क्या आपने इसे देखा है? अरे मैं कैसे नहीं जान सकता, यह इतना व्यस्त और सुंदर है। आप दोनों उस रास्ते पर जाएं, दाएं मुड़े और आप पहुंच जाएंगे। ओ जी, सच में? चलो। धन्यवाद। खूबसूरत। दो बेवकूफों को नहीं पता था कि वे विवियन की चतुर योजना में फंस गए हैं। अगली सुबह मूल आवरना उठा, वह आत्मविश्वास से सड़क पर गई जैसे वह कातिया की मालिक हो, लेकिन सामने की सच्चाई ने उसे चौंका दिया। अरे यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और मालिक, मैंने बिल्कुल वही किया जैसा आपने आदेश दिया था। यह क्या हो रहा है, मुझे सब पता चल गया है। तुमने मेरी अच्छाई और इस पूरे शहर के लोगों की भलाई का फायदा उठाया और सबको नुकसान पहुंचाया। आप अभी भी केले के लिए लड़ रहे हैं? यह पता चला कि विवियन ने बेवकूफ अनुयायी को जो दिखाया वह एक देवदार का फूल था। एक फूल जो दिखने में मुइल वरना के जहरीले नींबू घास के फूल की तरह है। और फिर जहरीले फूल लाने के बजाय उन दोनों ने पूरे शहर में खुशबूदार फूल लगा दिए। जब मादा पेड़ नष्ट हो गया तो इसकी जहरीली गंध भी रोक दी गई। इसलिए लैन, एक्से और पूरे लोग समय पर जाग गए। फिर से चिल्लाओ उसे, उसे किसी और को नुकसान पहुंचाने मत दो। हाँ, उसे वापस लाओ, उसे आजमाओ, रंग देखो जिसमें हम फंस जाएं। तब से लैन एक्सी ने भी एक बात समझ ली थी, अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो आपको उठना होगा और इसे पूरा करना होगा, न कि सुंदर सपनों में खो जाना होगा। हाय, दो लड़कियां और पूरे शहर के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। अपने सपने को पूरा करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत कर रही है। बहुत समय पहले फेरीटोपिया की विशाल भूमि पर परियों के लिए आदर्श स्थान था। जंगल की परियों से जिनके पास जादुई पंख हैं, या जलपरियों से जिनकी पूंछ आकर्षक होती है। वे सामंजस्यपूर्ण और घनिष्ठ रहते थे और एक सुंदर दुनिया का निर्माण करते थे। लेकिन लवरना ऐसा नहीं सोचती। उसके पास बड़ी महत्वाकांक्षा थी, वह लोगों को एकजुट करना चाहती थी, फेरीटोपिया में सभी परियों पर विजय प्राप्त करें और उन्हें अपने शासन के अधीन कर लें। सौभाग्य से एलिना, एक साहसी पंखों वाली परी, ने समय पर इसका पता लगाया और उसकी साजिश को रोक दिया। तब से उसके पंख छीन लिए गए और उसे दलदल में घर में बंद कर दिया गया, एक जगह जहां उसके काले जादू का तो डिच हो सकता था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ला वरना की चालाकी इससे भी ज्यादा हो सकती है। उसने खुद ही एक भयानक जहर बना लिया था मशरूम से और नौकरों को काम करने के लिए भेजा। वे फिर कभी नहीं लौटे। तुम इससे नहीं बच पाओगे मेंढक। जहरीले मेंढक? नहीं नहीं, वे दो मूर्ख असली विषैले हैं और तुम मुझे बड़े भाई मैक्स कह सकते हो। बड़े भाई मैक्स, सुना? मैं तुम्हें कभी
शक्तिशाली फल की जगह पर नहीं ले जाऊंगा। मुझे जिद्दी कैदी पसंद है, यह मेरे काम को और मजेदार बना देता है। सिरी का धन्यवाद, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। बस एक बूंद चाहिए जो जमीन से पानी में फैल जाए, यह संपर्क में आने वाले सभी जीवन को नष्ट कर देगी। क्या यह आपको मुझे वहाँ ले जाने पर विचार करने के लिए पर्याप्त है? हा। कभी नहीं। हाँ। अरे इस सांप का क्या हो गया? देखो टिक, अलविदा। समय समाप्त हो रहा है, इससे पहले कि यह समुद्र में फैल जाए और समुद्री जीवन को प्रभावित करे। मेरा अनुमान है लगभग 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, तो रुक जाओ। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें सपने की तलाश में ले जाऊंगा। इस शर्त के साथ आपको इंडिया के जादुई राज्य को छूने देना होगा। यह बुद्धिमानी भरा फैसला है मछली। माँ माँ, मेंढक कहाँ है? क्या तुमने उस राजकुमार को पकड़ लिया है? बिल्कुल मालिक, और आपको केवल बैठकर खाना है महारानी। और हम सभी प्रकार के जादू से प्रतिरक्षा हो जाएंगे, अतीत से लेकर वर्तमान और भविष्य तक। अब उस दूर दराज दलदल में नहीं फंसेंगे। मैं मीडिया और सभी जल निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कोई और तरीका नहीं है। राजकुमार फिन को 3 जहरीली मिर्चों की बात माननी पड़ी। इस समय उसकी एकमात्र उम्मीद एक महत्वपूर्ण संदेश था। सहायता लेनिया को भेजी गई थी, वह परियों के पंख जिसने कई साल पहले लेवेना को हराया था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह महिला कैद में है और स्थिति गंभीर है। मुझे भी नहीं पता, मैं बस संकीर्ण घाटी के माध्यम से चल रही थी। क्वार्टर प्रिंस को 3 दुष्टों ने पकड़ लिया। हमें इसे अपनी आंखों से देखना होगा। नहीं, तुम घर पर ही रहो मिया, यह बात एक छोटी लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है। लेलिना खुद समुद्र के पास संकरी घाटी में उड़ गई। दूर से जहरीला हरा पानी देखना मुश्किल नहीं था। दुंगनुआच को देखकर डर लगता है, उसे जहर दे दिया गया है। जो मियां ने कहा वह सच है, अगर हम जल्दी से प्रिंस फिन को नहीं ढूंढे तो लाफाइट की साजिश सच हो जाएगी। फीना, फीना, ओ। तुम इतनी देर से कहाँ थे? अगर तुम मुझे इंतजार करवाओगे तो अच्छा नहीं होगा। कौन है वह? वह कासिया है, राजकुमार फिन का दोस्त। तुम यहाँ क्या कर रही हो मार्सिया? मैंने कहा था कि यह बहुत खतरनाक है, घर जाओ। हाँ? नमस्ते, मैं लेनिना हूँ, मैं भी फिन का दोस्त हूँ। सुना है तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन वास्तव में उतनी नहीं हो जितना मैंने सोचा। ये क्या? सुनो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, लेकिन यह वह जगह है जहाँ मेरी दादी और फिल्म डेट करते थे। क्या आप हमें थोड़ी निश्ता दे सकती हैं? डेटिंग? क्या? सुनो, फी को जहरीले मेंढकों ने पकड़ लिया है। मुझे फिन की मदद करनी है, नहीं तो फेरी टोबिया पूरी तरह से लवीना के अध्याय के तहत ठह जाएगी। क्या उन लोगों ने उसे पकड़ लिया है? तो फिर मैं उसे बचाऊंगा। रुको, चलो साथ चलते हैं। मैं यह काम अकेले करूंगा, वैसे भी तुम पानी में सांस नहीं ले सकती। क्या आपने काटा? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कि तुम घर जल्दी पहुँच जाओ पापा। इस प्रकार का समुद्री शैवाल खाने से हमें पानी में तैरने में मदद मिल सकती है। मैं इसे मछली दोस्तों के साथ खेलने के लिए उपयोग करता हूँ। मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी ला पेना को रोकने में मदद करना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है, तुम्हें मेरे करीब रहना होगा। देखो
ये बहुत समय बर्बाद कर रहा है। अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आपको तेज होना पड़ेगा। तीनों ने एक साथ समुद्र में गोता लगाया, गहराई में प्रवेश किया, लेकिन फिर भी राजकुमार फिन्ह का कोई निशान नहीं मिला। नहीं, राज्य बहुत बड़ा है, हम इस तरह से राजकुमार को नहीं ढूंढ सकते। फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरे साथ आओ। जब मैं छोटी थी तो खेलते हुए दूर चली जाती थी और मेरे माता पिता मुझे इस तरीके से ढूंढते थे। मत्स्य परिवार में मोती का बहुत महत्व है। हाओ हुआंग की दादी भविष्यवाणी कर सकती हैं। वह हमें बताएंगी कि हमें राजकुमार को कहाँ ढूंढना है। ओह नमस्ते, कैसी है प्यारी छोटी लड़की? क्या वह इतनी खूबसूरत हो गई है? अब खो मत जाना छोटे। अरे नहीं, मैं यहाँ आ गया हूँ। लड़की तुम यहाँ की नहीं हो, लेकिन मैं तुम में जल महल से एक मजबूत संबंध देखता हूँ। यदि आप वह सब कुछ पाना चाहते हैं जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको एक बड़ा मूल्य चुकाना होगा। क्या हुआ, मैंने अभी क्या कहा? कृपया मुझे बताएं, प्रिंस फिन कहाँ है? जहरीले मेंढकों ने उन्हें पकड़ लिया, मुझे उन्हें बचाना होगा। मुझे पता है कि मैं आपको यह नहीं बता सकता। अगर आपको फिल्म का राजकुमार खोजना है तो पहले आपको अपनी क्षमता साबित करनी होगी। निराशा की गहराई में जाएं और जादुई दर्पण खोजें। अदालत का अंतिम निर्णय, उसका नाम ऐसा है क्योंकि कोई भी वहाँ से वापस नहीं आ सका है। अगर आप ट्रांक का जिक्र कर रहे हैं तो वापस जा सकते हैं, हम ट्रांक को ढूंढ लेंगे। सफल होने के लिए आपको एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और अपने आप को बलिदान देना होगा। क्या यह कोई गुप्त संदेश है? अभीष्ट चिकित्सा अत्यंत खतरनाक है, इसके लिए पानी के नीचे तैरने की पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होती है, जो पूंछ से आती है, पंखों की पूंछ से नहीं। लेकिन मेरी पूंछ नहीं है, इसलिए आपको त्याग करना होगा। अपने पंखों को त्याग कर, अपनी पूंछ को पकड़ कर राजकुमार को बचाना होगा। अपने पंख छोड़ना, लेकिन क्या मैं काम खत्म होने के बाद उन्हें वापस पा सकता हूँ? ये बात सही नहीं है, एक परी के पंख कैसे गायब हो सकते हैं? यह धारा पर निर्भर करता है। सोचिए, मैं केवल आपको एक उपहार दे सकता हूँ, जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो इसे प्रार्थना करने के लिए उपयोग करें और एक पूंछ के बदले में इसे प्राप्त करें। फिर अपने पंख क्यों छोड़ें? यह असंभव है, शायद आप खुद को एक परीक्षण की तरह आजमाना चाहते हैं। अगर आपको बुखार है तो मुझे भी एक मजबूत पूंछ मिली है, चिंता मत करो। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, परियों की कहानियों में लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। शीघ्र ही निराशा का गर्त दोनों लड़कियों के सामने आ गया। पहली नजर में यह बहुत ही दोस्ताना लग रहा था, यहाँ तक कि यह वास्तव में सुंदर है। यह एक गंभीर मामला है, हम यहाँ हैं। वाह, यह आशा जैसा लगता है, बल्कि मैंने कभी इतनी सुंदर निराशा नहीं देखी है। मुझे नहीं पता कोई भी यहाँ से बचकर नहीं आया है ताकि बता सके अंदर कैसा है। सुनो बहनों, क्या तम सोचती हो कि मोती की देवी ने जादुई आईने के बारे में सच कहा? हमें समुद्र तट पर भरोसा करना होगा, ये एकमात्र संभावना है कि हमें सत्र मिलेगा। क्या आप तैयार हैं? मदर मरियम का अनुसरण करें, हम किराए पर लेना शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों हर कोई इस जगह के बारे में इतना हंगामा कर रहा है। ये इतना बुरा नहीं है, शायद ये फिर से बच्चों को दूर न जाने देने के लिए एक डरावनी कहानी है। मुझे लगता है कि यहाँ की धारा काफी तेज है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, मजबूत क्या होता है, आपको बस थोड़ा और जोर लगाना होगा।
तुमने अपनी पूरी ताकत से तैर लिया। कात्या, एक मिनट रुकिए, मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता। कटिया, कटिया, तो वहीं रुको, मैं लगाम ले आऊंगा। मैं कर सकता हूँ, चिंता मत करो। क्या काटना है? सिडनी, तू लीडिया, लीडिया मुझे बचाओ। हमें इलिनिया की मदद चाहिए। क्या कार्य खुद को निराशा से बचा पाएगी? इस स्थिति में लेलिना क्या करेगी? प्रिंस फिन और फेरिटोपिया की भूमिका क्या होगा? बच्चों को बिना पूंछ वाली जलपरी और समुद्र की गहराई में परियों की कहानियों का अगला भाग देखने के लिए आमंत्रित करें। लेलिना हताश प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन उसके पास कार्य और जादुई दर्पण नहीं आया, बल्कि एक निराशाजनक कराह थी। मुझे बचाओ लेलिना, मेरी मदद करो लेलिना। हाथ छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, रुक जाओ। मैं आ रहा हूँ, हिम्मत रखो कसिया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं पंखों के लिए एक पूंछ बदल सकता था, पंखों के लिए एक पूंछ बदल सकता था, पंखों के लिए एक पूंछ बदल सकता था। लेनिना, लेनिना, कसिया को कसकर पकड़ो, उस जनरल को तुरंत बंद करो। चलो चलो, उस लड़के को देखो, वह लड़का। अभी नहीं, मुझे पहले उसे यहाँ से निकालना होगा। माफ करना लेनिना, तुम सही थी। तुम्हारे पंखों का अब क्या होगा? तुम यहाँ तक कि जादू का आईना भी नहीं ले सकी। फिल्म खोजने के लिए तुम्हें बलिदान देना होगा। ये हमारी किस्मत है, कासिया की वजह से नहीं। लेकिन यहाँ है। अब क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नीचे जाते समय मैंने शीशा पकड़ लिया। धन्यवाद लेनिडा, हमारे पास अब मौका है। कृपया दर्पण, हमें बताओ कि राजकुमार कहाँ है? ओह, दो मत्स्यांगना गहरे निराशा में, उसे बहुत हिम्मती होना पड़ेगा। चलो देखें, राजकुमार, राजकुमार, ये रहा, मैंने देख लिया। भले ही जाल से बच निकलो। सही कहा लड़की। न्यू वहाँ क्या कर रही है? मुझे लगता है कि राजकुमार उसे भटका रहा है, लेकिन वे लंबे समय तक धोखे में नहीं रहेंगे। हमें जल्दी से कार्य करना होगा। जैसा कि दर्पण ने कहा, राजकुमार विन ने ला वर्णा को उनके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया। वह उसकी अनुयायियों को भटकाने के लिए समुद्र का उपयोग करने की
कोशिश कर रहा है। खतरनाक समुद्र का उपयोग लोगों को सम्मोहित करना और उन्हें उनकी कहानी भूल जाने देना। तो कितने समय में हम वहाँ पहुँचेंगे? हम लगभग पहुँच चुके हैं, बस इस कोरल रीफ से बाईं ओर मुड़े। बाएं मुड़े दोस्तों, दोस्तों। कितनी दूर है वहाँ? हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं, बस इस कोरल रीफ को बाईं ओर मुड़े और हम वहाँ होंगे। क्या कर रहे हो? आदेश सुनो, बाईं ओर मुड़ो, बाईं ओर मुड़ो, बाईं ओर मुड़ो। लेकिन ये तरीका ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। मैट, अलविदा। मेंढक मूर्ख, धन्यवाद। मालिक, मुझे आपके लिए नमूना फल मिल गया है। हमने 27 बार बाएं मुड़ लिया और अब हमें और कितनी बार मुड़ना है मछली? मूर्ख मेंढक, तुम्हें 27 बार धोखा दिया गया, फिर भी तुम उसकी बात मान रहे हो। तुम बेवकूफ हो। उसे सही दिशा दिखाने के लिए कहो। तुम अपना बोर्ड यहाँ लाओ। तो तुम हमें इस समय तक धोखा दे रहे थे? क्या वह बहुत अच्छा है? हाँ हाँ, मिठाई पसंद है, मिठाई पसंद है। हाँ हाँ हाँ, वो मूर्ख है। यह कितना समय बर्बाद करता है। तुम शायद भूल गए हो कि हमारे पास क्या है। यहाँ कोई चट्टान इसे रोक नहीं सकती। चलो वहाँ मछलियों के लिए एक बूंद डालें। ठीक है, किनारे सीधे ऊपर हैं। अगर कोई चालबाजी है तो मुझे पहले से ही पता होना चाहिए। समझ गए? उठो उठो उठो। मेरी समुद्र के नीचे नहीं बल्कि एक द्वीप पर है। इसे रात में ओस गिरने पर तोड़ा जाना चाहिए। रुको, कैसिया, हम तीनों को हरा सकते हैं। मैं एक जलपरी हूँ और वे सिर्फ 3 कमजोर लोग हैं। मैं उन्हें हरा दूंगा, लेकिन उसके पास जहरीली प्रयोगशाला है। यही कारण है कि फिन उनकी सुनता है। शानदार। सर, वह मछली क्या पानी की जरूरत नहीं है? इसे लटकाते हुए मुझे नहीं पता कि यह कल तक जीवित रह पाएगी या नहीं। कौन चाहता है कि वह कल तक जीवित रहे? आज रात हमें फल मिल जाए तो हम मालिक के साथ ऐशो आराम का जीवन जी सकते हैं। किसी को परवाह नहीं है कि यह जी रहा है या मर रहा है। राजकुमार फिन को यातना देते हुए देखकर दो मत्स्यांगनाएं बेहद चिंतित थीं, लेकिन बड़े उद्देश्य के कारण उन्हें इंतजार करना पड़ा। उन्होंने योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उचित समय का इंतजार करें। जल्दी से रात और गिरती हुई बूंदें आ गईं। लावेरना के मार्गदर्शन में जहरीली मेंढक महिला ने बेरी की खोज शुरू की। हाँ, क्या यह वही नमूना फल है जिसे आप ढूंढ रहे थे मालिक? नहीं, यह नहीं। क्या है? हाँ? नहीं तो क्या? हाँ हाँ, वे समुद्री डाकू नहीं है। हो,
अपनी पीठ के पीछे देखो, ठंडा। मेरे पीछे क्या है मालिक? हाँ यही है, यही है। हाँ हाँ हाँ, इसे मेरे पास लाओ। जब तीनों जहरीले मेढक जामुन की तलाश में गए थे तो लड़कियों ने जल्दी से अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। धन्यवाद लेनिया, मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका होगा। हम यहाँ बिना खांचे के नहीं आ सकते थे। टारिया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें अभी भी समस्या है, शायद उन्होंने सपना फल ले लिया है। अगर कोई काव्यात्मक रूप हो तो हमारी योजना पहले से ही है। मारिया, वह अभी भी बहुत छोटी है, जबकि वे तीन जहरीले मेंढक बहुत क्रूर हैं। देखो वे पंख नहीं फड़फड़ा रहे हैं। अरे थोड़ा खेलने का मन कर रहा है? अरे अरे, ओह तुम भी काफी अच्छे हो, इसे ले जाओ, ध्यान केंद्रित करो। समाप्त। हाँ 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 बहन, नींद से उठने के बाद एक छोटा सा काम करना। बच्चों का खेल भी नहीं जीत सके, कितनी शर्म की बात है। हाँ हाँ हाँ, देखो। ओह अब खेलना नहीं चाहते? मजा आ रहा था, फिर से। तुम बेवकूफ, क्या तुम भूल गए कि मालिक इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो। ये वही सपना है जिसकी वे खोज कर रहे थे। बहुत अच्छा मार्सिया, तुम बहुत अच्छे हो। धन्यवाद मारिया, तुमने हम सबको बचा लिया है। मुझे पता था कि तुम कर पाओगे। सब कुछ हल हो गया है सिवाय क्या तुम भूल गई हो लेनिना कि लेविना की टोपी क्यों बोगफल ढूंढती है? क्योंकि इसमें सभी जादू के खिलाफ असर करने की क्षमता होती है। यह कदम भी एक त्वरित जादू की चाल है, सही? ले लो। जहाँ तक तीन जहरीले मेंढकों की बात है, वे पूरे रास्ते खुश थे। लावेरना के लिए युद्ध की लूट वापस ला रहे थे। ला 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 ला। लेकिन इसके बदले में उन्हें एक आश्चर्य मिला। तुम्हारा बाप निकम्मा है, माए परिवार ने गलत ले लिया। देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है, बेकार आदमी, बेकार बेकार बाई। Ha 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 ha!